हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल। इट्स फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय प्रीवियस वीडियो। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है वो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से किस तरह अलग है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हमने डिस्कस की थी वो थी शेंशुई कॉन्सेप्ट के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट मूव्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट वर्ल्ड इन 1940s, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक फ्रांसीसी पेंटर है जिसका नाम जीन डुबुफेट है। पहले इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विचार, मूटेड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, अनट्रेन्ड का मतलब होता है जिसने कोई ट्रेनिंग ना ली हो, विजनरी का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। तो 1940 में जब जीन डुबुफेट जो एक फ्रांसीसी पेंटर था उसने आर्ट ब्रट के बारे में कल्पना की, विचार प्रस्तुत किया, तो उस वक्त ये जो आर्ट था अनट्रेन्ड लोगों का, लोगों में इसकी रुचि नहीं थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट बेल्ड बिगनिंग, बेल का मतलब होता है घूंघट, तो शुरू शुरू में तो ये पर्दे के पीछे ही रहा आर्ट, ये जो था वो ढका रहा। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, फास्टेस्ट का मतलब हो गया बहुत तेज़ी से, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, इंटरनेशनली का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इट मीन्स धीरे धीरे लोगों में इस आर्ट के प्रति जो थी वो रुचि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। अब जेनर का मतलब होता है शैली। अब शैली किसको कहेंगे? द वे ऑफ आर्ट, आर्ट करने का तरीका। तो ये जो शैली थी आर्ट करने का, ये जो ढंग था आउटसाइडर आर्ट का, ये उन लोगों का आर्ट था जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती थी, जिनको आर्टिस्ट बनने का अधिकार नहीं था। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, यट का मतलब फिर भी वो टैलेंट शो करते थे। टैलेंट किसको बोलते हैं? गुण। और आर्टिस्टिक इनसाइट, और उनके अंदर एक कलाकार के गुण होते थे। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। स्टिमुलेटिंग मीन्स प्रेरक, जो कोई चीज़ प्रेरणा दे उसके लिए वर्ड है स्टिमुलेटिंग। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना, मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया मुख्य धारा, और ऑफरिंग का मतलब हो गया यहाँ पर भेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो काम था वो बिल्कुल अलग था, जो आज की मुख्य धारा की जो कला है उससे उनका काम जो था वो बिल्कुल अलग था। अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज प्रपोंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, जब डुबुफेट इस विचार को प्रस्तुत कर रहा था, प्रपोंड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया विचार, तो इंडिया में, इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो भारत में एक जो अनट्यूटर्ड मीन अनट्रेंड, और जीनियस का मतलब हो गया प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो भारत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था वो एक स्वर्ग बना रहा था। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, वो उसकी रचना कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the rock garden at Chandigarh. Recycled material का मतलब होता है वो material जो आपने एक बार use कर लिया हो उसको आप फिर से use करें। Years ago, तो कुछ वर्ष पूर्व उसने क्या किया, जंगल का एक छोटा सा पैच मीन टुकड़ा, उसको उसने साफ करना शुरू कर दिया। क्लियरिंग का मतलब होता है साफ करना, उसको साफ करना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर उसने जो पत्थर जो थे उनको जोड़ा। स्कल्पचर्ड का मतलब होता है तराशना, तो पत्थरों को उसने तराशा। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और जो टूटी फूटी चीज़ें थी रिसाइकल्ड मटेरियल, उसका उसने इस्तेमाल करके एक सुंदर गार्डन बना दिया, जिसको हम
रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं और ये चंडीगढ़ में है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, और इस रॉक गार्डन का निर्माता है 80 वर्षीय नेक चंद। इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, और नेक चंद को भारत में आउटसाइडर आर्ट के लिए एक बहुत बड़े योगदान के लिए जाना जाता है। बिगेस्ट का मतलब हो गया बहुत बड़ा, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है आउटसाइडर आर्ट में। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, ए यूके बेस्ड मैगजीन। तो एक यूके बेस्ड मैगजीन है जिसका नाम है रॉ विजन, पाइनियर इन आउटसाइडर आर्ट, जो कि आउटसाइडर आर्ट के पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे है। पाइनियर का मतलब होता है अग्रणी। फीचर्स नेक चंद, उसने नेक चंद के बारे में एक लेख जो है वो उसमें छापा। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके जो रॉक गार्डन की जो मूर्ति कला थी, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, वो उसके जो एनिवर्सरी इशू कवर था, जो उसका सालाना पेज जो था, उसके ऊपर उसने उसकी फोटो जो थी वो लगवाई। द नोशन ऑफ आर्ट वर्ट रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट। तो उस वक्त ये जो विचारधारा थी, नोशन का मतलब आइडिया, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, ये जो काम था ये उस वक्त रॉ स्टेट में था, मतलब कच्ची अवस्था में था। इसका मतलब ये हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, अगर उसके हम सांस्कृतिक और कलाकृति के प्रभाव के बारे में बात करें तो उसमें भी ये कच्चा ही था। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी ए मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट। तो ये जो आपका आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम रॉ आर्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम आर्ट ब्रूट भी बोल सकते हैं, और इसको हम आउटसाइडर आर्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो है वो चाहे एक टिन हो या फिर एक सिंक हो या कोई टूटी फूटी कार हो, ये इसके लिए कोई भी मटेरियल जो है इस आर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट, और ये नेकचंद को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले गया। डिजिंग का मतलब होता है चकरा जाना, तो चकरा जाने वाली ऊंचाइयाँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसको फेमस कर दिया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक वैन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो ये उस व्यक्ति के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए जो किसी चीज़ का स्वप्न देखता है, उसके लिए ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रमाण था उसके आर्ट को पहचाना जाना। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाई वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है यूरोप में, वो नेकचंद की जो कला है उसकी प्रदर्शनी लगाकर उसका ऑनर करेगा, उसको सम्मान देगा। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, इंटरेक्टिव का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, यानी कि मेल जोल। तो ये जो 5 महीने का एक इंटरेक्टिव शो है, रियलम ऑफ नेकचंद, नेकचंद के बारे में, रियलम का मतलब होता है क्षेत्र, जो उसका आउटसाइडर आर्ट का कंट्रीब्यूशन है उस बारे में। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और ये अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के जो प्रमुख, लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, जो इन देशों के प्रमुख संग्रहालय हैं उनमें शुरू होगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉयिंग माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। तो नेकचंद ये कहता है कि उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है लोगों को गार्डन में चलते हुए देखना और उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो कलाकृति है, उसका आनंद लेना, उसको एंजॉय करना। तो अभी जो हमने ये लेसन का पार्ट पढ़ा, ये बृंदा सूरी के द्वारा लिखा हुआ लेख था जो हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को पब्लिश हुआ था।
अब मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आज के इस पार्ट को। आज के इस पार्ट में हमने आउटसाइडर आर्ट के बारे में पढ़ा, और आउटसाइडर आर्ट हम उसको बोलते हैं जिसमें आर्टिस्ट ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है और वो किसी भी टूटी फूटी चीज़ के साथ, चाहे वो एक टिन हो या सिंक हो या ब्रोकन डाउन कार हो, उसके साथ एक नई कलाकृति तैयार कर देता है जिसको हम आउटसाइडर आर्ट कहते हैं। और भारत में आउटसाइडर आर्ट की सबसे बड़ी उदाहरण जो है वो चंडीगढ़ में है, जो नेकचंद ने रॉक गार्डन बनाया था। सो दिस फिनिशेज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।